उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश के चलते भीषण हादसा हो गया। यहाँ कैंट थाना क्षेत्र में दिलखुशा गार्डन के पास दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक लखनऊ कैंट के दिलखुशा में ये हादसा हुआ। यहाँ दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है। बताया जा रहा है कि ये लोग दीवार के पास सो रहे थे, अचानक दीवार गिरने से चपेट में आ गए। पुलिस प्रशासन मौके पर बचाव कार्य में जुटा है। आपको बता दें, हजरतगंज इलाके में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों का तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। दिलखुशा कॉलोनी के पास में मकान की दीवार गिरी है। वहीं दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। साथ ही सीएम योगी ने तेजी से रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। बताया जा रहा है कि ये पुराना मकान था जिसकी दीवार गिरी है। इस घटना में 2 बच्चों की भी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। बताया गया है कि भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ। कल से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। दीवार का मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। खुद सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए। राहत बचाव के काम में बारिश के चलते मुश्किलें आ रही हैं। आपको बता दें, हजरतगंज इलाके में काफी पुराने मकान है। ये मकान करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। बारिश के चलते मकान की पूरी दीवार ढह गई, जिसमें करीब 10 लोग दब गए। इस पूरे इलाके में काफी छोटी गलियां हैं, इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। कोशिश की जा रही है कि तेजी से काम चले और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जाए।